हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कबाब, जो ना कि सिर्फ बहुत ही टेस्टी भी है पर बहुत ही हेल्दी भी है। और इसे हमने बनाया है बहुत ही कम तेल में, तो इसे शैलो फ्राई करके बनाया है। ये कबाब या तो आप चटनी के साथ या केचप के साथ डायरेक्टली भी खा सकते हैं, या फिर सैंडविच बना लीजिए, सब्बे टाइप सैंडविच या व्रैप, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या बर्गर में। हर तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल कुक टू रिलिज बाय हेतल परिक में। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे वेज शमी कबाब। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें लगेगा 2 कप देसी चना, जो ब्राउन चना होता है वो हमने लिया है, 2 कप बेसन, 2 चम्मच फुदीना, 2 चम्मच धनिया, अदरक, मिर्ची, काली मिर्च, गरम मसाला स्वादानुसार, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार और तेल शैलो फ्राई करने के लिए। चनों को मैंने 6-7 घंटे तक भिगो दिया था और अब बॉईल करने रख दिया है प्रेशर कुकर में। तो जब तक चने बॉईल होते हैं, तब तक हम बेसन को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया था, उसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो बेसन का रोस्ट करने का बेनिफिट ये है कि कबाब में कुछ कच्चापन ना लगे बेसन की वजह से, और बेसन से अच्छा सा बाइंडिंग आएगा कबाब में। बेसन को हमें जब तक हल्का सुनहरा रंग ना आ जाए, तब तक उसको रोस्ट करना है। एक अच्छी सी खुशबू आ जाए बेसन को के रोस्टिंग की, तब हम गैस बंद कर सकते हैं। आप बेसन की जगह पे जो फ्राइड ग्राम होते हैं दालिया, उसका भी पाउडर करके उसको भी क्रश करके यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। अब मेरा बेसन भून के रेडी हो चुका है, अच्छी सी महक आ रही है इसकी, तो गैस बंद कर देते हैं। चने भी उबल कर रेडी है, तो चनों का सारा पानी निकाल के चनों को मिक्सर के पॉट में डाल देंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, हमें इसे ड्राई ही पीसना है, तो इसे कोर्सली दरदरा पीसना है। चनों के साथ साथ मैं मिक्सर में अदरक डाल दूंगी और मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच मिर्ची ली है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, ज़्यादा तीखा चाहिए तो। देखिए हमारे चने पीस कर रेडी है, तो ये अच्छे से दरदरा हमने इसको पीस लिया है। तो अब इसे हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी है, ऐसे ही दरदरा पीसना है। कुछ चनों के टुकड़े उसमें रह जाएंगे तो भी चलेगा, अच्छा सा स्वाद आएगा कबाब में। तो मैंने ये सारा चना पिसा हुआ जो है वो निकाल लिया है दूसरे बाउल में। अब मैं डाल देती हूँ इसमें भुना हुआ बेसन। फुदीना और धनिया को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और पानी से धो लीजिए। मैंने यहाँ पे फुदीने के पत्तों को थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया था, और अब इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो अब ये जो कटे फुदीने के पत्ते हैं, इसे मैं मिला दूँगी चनों में। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच फुदीने के पत्ते मिला रही हूँ। उसी तरह धनिया को भी अच्छे से धो लीजिए और बारीक काट लीजिए। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच धनिया जो है उसे भी बारीक काट कर मिला रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, पेपर पाउडर जो है वो डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, अगर आपके पास धनिया जीरा पाउडर है तो वो डाल दीजिए 1 चम्मच, जीरा पाउडर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच गरम मसाला, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हम डाल देंगे धनिया पाउडर, मेरे पास ये कोर्सली ग्राइंडेड धनिया पाउडर था तो मैंने वो डाला हुआ है। अगर आपके पास धनिया जीरा पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर फिर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है।
अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करना है, बस डायरेक्टली जो हमने डाला है इसके अंदर उसे ही अच्छे से मिला देंगे तो भी अच्छा सा बाइंडिंग बन जाएगा। तो मैं इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेती हूँ। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो ये अच्छा सा इसका डो बन गया है। अब हम इसके मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे। तो जैसे टिक्की बनाते हैं सेम उसी शेप में आप गोल इसके कबाब बना सकते हैं। तो एक छोटा सा गोला लीजिए और उसको प्रेस करके हाथों की मदद से अच्छी सी टिक्की जैसा शेप दे दीजिए। आप चाहे तो ये राउंड पैटी के शेप की जगह पे कोई और शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो स्टिक लगाकर भी ऐसे कबाब जो है वो आप बना सकते हैं। हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उससे 15 से 16 मीडियम साइज़ के कबाब बन जाते हैं। तो इसी प्रकार मैं दूसरे कबाब भी सारे बना दूंगी। तो देखिए मेरे कबाब सारे बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 चम्मच जितना तेल डाला है। अब उसमें एक एक करके मैं सारे कबाब रख दूंगी और उसे रोस्ट होने दूंगी। 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे और फिर इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको पलटा कर शैलो फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं ये कबाब, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारे कबाब इसी तरह से हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। अब हमारे कबाब बनकर रेडी हैं। अब टाइम है थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्याज काट कर रख लिए थे, स्लाइस कर ली थी एक प्लेट में। उसमें मैं एक एक करके सारे कबाब को अरेंज कर देती हूँ। कुछ टमाटर के पीसेस भी मैंने लिए हैं और कुछ पुदीने से उसको अच्छे तरह से गार्निश किया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो टमाटर से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर पत्ता गोभी और टमाटर का सलाद बना लीजिए, उसके साथ ये सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इस रेसिपी में हमने बिल्कुल भी प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो रेडी है हमारे वेज शमी कबाब। इसे आप फुदीने की चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, या फिर व्रैप, या फिर बर्गर, या सब्बे टाइप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।